So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get in trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. हेलो भाई लोग, कैसे हो यार। मैं राश गेमर 2911 आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के लाइव स्ट्रीम में। फिर से एक बार चालू हो रहा है द लास्ट ऑफ अस का एपिसोड्स का न्यू चैप्टर। कल तक अपन ने देखा था कि जोल एली को लेके बिल के पास आ चुका है, क्योंकि उसको एली को लेके जाना है टॉमी के पास। टॉमी जो बिल का जोल का भाई भी है, और साथ में यहाँ पे फायरफ्लाइज करके जो ग्रुप है उसका एक मेंबर भी है। तो मरते वक्त जो टेस ने कमिट किया था और उससे प्रॉमिस लिया था कि तू कैसे भी करके एली को टॉमी के पास लेके सॉरी उसके ग्रुप के पास लेके जाएगा, लेकिन वहाँ पे गए तो आप जानते हैं कि पूरा ग्रुप के मेंबर्स वहाँ पे डेड पड़े थे, और वहाँ पे ही टेस भी मर गई है। टेस को भी रनर ने काट लिया था, तो उसने सेक्रीफाइस करते हुए फाइट करते हुए मरना चुना सोल्जर के हाथों एक ब्रेवली बोल सकते हैं उसकी डेट हुई है। लेकिन जाते जाते उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जोल के ऊपर छोड़ के गई है कि कैसे भी करके जोल को पहुंचाना है, अपना एली को पहुंचाना है टॉमी के पास, क्योंकि और भी कोई ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन और कोई नहीं, कोई मैप नहीं है, कुछ नहीं है, या कोई सेकंड सोर्स नहीं है कि जैसे कि एली किसी को पहचानती हो फायर फ्लाई के मेंबर को, या कोई तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए था जिससे कि दूसरे मेंबर्स के पास, ऐसा कुछ नहीं है। और मार्लिन ने कंफर्म किया कि टॉमी जो जोल का भाई है वो फायर फ्लाइज का मेंबर रह चुका है। तो बस जोल एली को लेके निकल चुका है सफर पे। इसके पहले का जो भी वीडियो है, इसके पहले का जो भी गेम प्ले, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाओ वहाँ पे। बड़ा प्यारा गेम प्ले है और मज़ा आया खेलने में। रियली थ्रिलर गेम है, मज़ा आ रहा है खेलने में, तो आपको भी देखने में मज़ा ज़रूर आएगा। चलो आगे का सफ़र चालू करते हैं अपन। तो सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, थोड़ा पीछे चलेंगे क्या? ये दरवाजे एक मैंने देखा ना, एक बार तुम लोग आप आगे गए ना तो ये दरवाजे खुलते नहीं है वापिस। ओके कोई बात नहीं, नो मैटर, दरवाजा नहीं खुल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे यूज करेंगे अपन। एक तो यार लास्ट गेम प्ले ना, अपने को ना यार दांतों चने चबाना बोलते हैं ना, वैसे ये स्ट्राइकर पहला तो इसका एक तो ये इनका जो
ये है ना जोम्बिस की लेवल, जैसे कि रनर को तो मारना इजी, आप मुक्को से भी मार सकते हो। अगर रनर ज्यादा देर इन्फेक्टेड रहा तो बनता है स्ट्राइकर, स्ट्राइकर के बाद बनता है क्लिकर। तो स्ट्राइकर को थोड़ा सा इजी गिर रहा है, और स्ट्राइकर थोड़ा सा उसका आप फेस देखोगे तो इन्फेक्टेड आपको दिखता है, पहचान में आ जाता है। क्लिकर का तो पूरा चेहरा खराब दिखाया है। तो लेकिन ये स्ट्राइकर और क्लिकर है ना, इसको साइलेंटली मारना बहुत हार्ड है, क्योंकि इनका जो इनका क्या है मालूम है कि ये जो चिल्लाते रहते हैं ना, ये आवाज की करते रहते हैं, एक्चुअली ये नॉर्मली चिल्ला नहीं रहे, ये अपनी वेव्स, जैसे कि आपने ये देखा होगा, बैट देखा होगा, वट वागुल बोलते हैं उसको, चमगादड़ बोलते हैं, वो जैसे रेंज वेज भेज के आगे का पता करते, सेम इनका यही ट्रिक है। तो यही प्रॉब्लम है कि उसको मारना आसान नहीं, हल्की सी आवाज भी उनको आ जाती है। बढ़िया रेंट, प्रेस टैब वाइल एमिंग टैब, ओके ओके, ये अच्छा, ये एरो से वन शॉट में मर रहे हैं भाई, ये तो बात हम लोग को पता ही नहीं थी। मेरे को एरो से मारना, क्यों चेंज हो रहा है एरो, टैप प्रेस करने अपने को वाइल एमिंग, तो इसका चेंज हो रहा है लोकेशन यार। अच्छा थोड़ा सा राइटली जा रहा है, बढ़िया हेडशॉट दोनों को लगाए अपन ने, स्टार्टिंग में हेडशॉट की ओपनिंग हो चुकी है, मतलब थोड़ी सी अच्छा एमिंग आपका भाई करने लगा। और एक देखा अपन ने, एक देखा, एक मजा की बात यह है ना कि अगर एरो से मारते तो इनको क्लोजली मारने की जरूरत नहीं, नजदीक जाने की जरूरत नहीं, आराम से लंबे से इनको हीट कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। आगे और दो बंदे मेरे को यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहे हैं, वो भी क्लिकर सी है, आवाज उनकी आ रही है, तो अपन थोड़ा आराम से चलेंगे, फुट स्टेप नहीं देंगे। जैसे कि ये बोल रही थी ना एली कि यहाँ पे फायर फ्लाइज है, मतलब रियली जुगनू देखो ना यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं जुगनू, मतलब जुगनू एकदम देख के एकदम मस्त लग रहा है ना, चमकते हुए जुगनू देखो यार, जुगनू चीज ऐसी है ना, छोटा बच्चा रहे या बड़ा रहे, बुजुर्ग रहे, उसको देख के जुगनू को प्यार आ ही जाता है, एक अलग सा पता नहीं जुगनू में क्या रहता है, शायद वो ब्लिंक करते रहते हैं तो इसकी वजह से अलग लगता है, कितने प्यारे लग रहे देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, गेम इतना प्यारा नहीं है, पूरा हंटिंग का गेम है, और एमिंग भी इतनी एरो से आसान नहीं, एकदम शांति से अपने को एमिंग करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो बढ़ते आगे, जवाबदारी अपने ऊपर एली को पहुंचाना है टॉमी के पास, और अपन पहुंचा के रहेंगे कौन से भी कंडीशन में, कुछ भी होने दो, झोल उसका कमिटमेंट पूरा करके रहेगा, और झोल को उसका कमिटमेंट पूरा करने के लिए अपने को हेल्प करना है, अपने को उसके साथ आगे बढ़ना है। ओके शॉटगन की एमओ मिल गई है, ऑटो पिकअप रखा है तो थोड़ा सा आसान गिर रहा है, लेकिन ऑटो पिकअप में ये हो रहा है ना कि एग्जैक्टली क्या उठा रहे ये कभी कभी पता नहीं चल रहा है, या इसको मारा इसका एरो नहीं मिला मेरे को, एक एरो मिल गया मेरे को, बढ़िया चलो कोई बात नहीं, जो मिला वो सही है। यहाँ पे आगे एक है, इसको भी साइलेंट किल करेंगे अपन, ये तो नल्ला है, एमिंग आसान नहीं है दोस्तों, एमिंग आसान नहीं है यहां पे करना, बहुत हिलता है। चल बढ़िया, इससे देखो अपने को ना, एक तो क्या होगा मालूम है, अगर अपन एरो से मार रहे हैं तो साइलेंटली मर भी रहे, और दूसरे आजू बाजू वाले ज़ॉम्बीज नहीं आ रहे, और सब क्लिकर्स भरे, और क्लिकर्स को मारने के लिए पाइप चाहिए आपको, अगर साइलेंटली मारोगे तो नाइफ चाहिए, नाइफ मतलब इन लोगों ने शिव बोल रहे, शिव मतलब नाइफ चाहिए, तो वो इतना तकलीफ नहीं दे रहा है।
आराम से किल कर सकते क्लिकर को, इसको कितने भी अगर एरो चाहिए। लेकिन लेकिन ये गेम का एक और खास बात आपको बता दूं, जो वेपन आप यूज कर रहे हो ना, मैंने अभी तक देखा जो वेपन आप यूज कर रहे हो वो ये लोग कम देते हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे अपन, मतलब इनको अपनी तरक्की देख के जल रहे, कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक बार ट्राई करें अपन, एक बार ट्राई करें इसको नाइफ से उड़ाने की ट्राई करें, इससे तो एकदम धीरे पोजीशंस हो रही है। क्लिकर से आगे उसको साइलेंट किल करने की कोशिश करना, मतलब लोग करते कोशिश। ऑप्शन नहीं ये का है, बढ़िया, मेरे को खुद को अच्छा लगा क्योंकि कल के एपिसोड में देखा कितनी बार मरा हूं मैं ये क्लिकर के चक्कर में। क्लिकर की शक्ल देखो, पूरी सड़ी हुई शक्ल है, ये क्लिकर है और इसके पहले की स्टेज थोड़ा, मतलब इसकी जो शक्ल दिख रही है उससे थोड़ा साइलेंट अलग सी, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब इतना फुला हुआ मुंह नहीं रहेगा, वो रहेगा स्ट्राइकर। तो बहुत सारे इन लोग ने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए अच्छे खासे फाइट के, और इसमें कंफ्यूजन भी होता है कभी। अभी ये रनर है तो रनर को आप मुक्के से मार सकते हो, इजी मार सकते हो रनर को मुक्के से। आजू बाजू और कहीं नहीं, आगे बढ़ेंगे, रनर को मुक्के से मार सकते हो आराम से, लेकिन स्ट्राइकर्स और क्लिकर्स को मुक्के से मारने की बात ही छोड़ दो, वो तो सीधा आपकी बूंद तोड़ देंगे। तो अपने को वो भी संभालना है, देखना है पहला सामने इन्फेक्टेड कौन है, उसके हिसाब से अपने को स्ट्रेटजी बना के फिर मारना है उसको। और दूसरा यहाँ पे एक बात सबसे गंदी है कि आप दौड़ नहीं सकते ज्यादा, आप दौड़ोगे तो और नॉर्मली क्लिकर के सेंस और जो ये जो है इनके सेंस इतने है, इनको दिखाई कम दे रहे हैं, रनर को थोड़ा दिखाई देता, स्ट्राइकर को थोड़ा दिखाई देता, क्लिकर को दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो चिल्लाता रहता है ना, आवाज निकलता है की 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 करके आवाज निकलता है, तो ये चमगादड़ की तरह रेंज भेजता है सामने, और रेंज में जो भी आएगा आजू बाजू उसके जो भी रहेगा तो उसको हिंट हो जाता है। तो अपने को वो ध्यान में रखना है कि साउंड ज्यादा ना हो, आराम से चले और उसके रेंज में ना आए। ये आगे बढ़ने के लिए बिल बोल रहा है, बिल यार रुकना, थोड़ा थोड़ा सा आराम करने दे, संभालने दे। चलो शॉटगन पकड़ लेते अभी, शॉटगन के लिए यार ये लोग ना नचा देते। ढेर सारे वेपन से जो आगे चल के भी अपने को मिलने वाले, बूम बम होने वाले आगे, लेकिन वेपन अपग्रेड लगेंगे। और अपन लाइव खेल रहे हैं ना दोस्तों, लाइव खेलने का और देखने का मजा कुछ होता है। देखो रिकॉर्डिंग तो देखने का मजा ही है, भले रिकॉर्डिंग में मैं 5 बार मरूं 6 बार मरूं, मेरे को जैसा चाहिए अपन को, मतलब अपन कोई भी खेलेगा उसको जैसा चाहिए वैसा खेल के उसको कट पेस्ट करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन लाइव का चक्कर ये है ना, लाइव में वो नहीं होता, डायरेक्ट गेम प्ले आपके सामने आ जाता है जैसा रहेगा वैसा, और वो सबसे अच्छी बात भी रहती है। और बुरी बात ये रहती है कि जो स्ट्रीमिंग कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है लाइव में गेम प्ले करना, क्योंकि जो भी है आंखों के सामने हो जाता है तो उसको मिर्च मसाला नहीं लगा सकते। तो चलो यहाँ से यहाँ पे अपने को जाना था, कल ही अपन ने यहाँ पे देख लिया था, थोड़ा ऊपर चलेंगे उससे पहले। चलो आगे के सफर के लिए यहाँ से आए थे और वहां से अपने को निकलना है। एक रास्ता यहाँ पे आगे जा रहा है ना घर के ऊपर, नहीं इन लोगों ने पौधा लगा दिया है यहाँ पे जिससे आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़िया। अच्छा अपने पास अभी क्या क्या, अच्छा कल देखो कल अपन ने यूज किया था यहाँ पे, आपको याद है जिन्होंने कल का एपिसोड देखा था, तो अपने यहाँ पे यूज किए थे ये जो डब्बा दिख रहा है, ये डब्बा नेल बॉम्ब है, नेल बॉम्ब कल अपन यूज किए थे, मजा आ गया था, बंदे डायरेक्ट हिट हो गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेल बॉम्ब अच्छा हुआ कल के एपिसोड में फिर मैंने सेव किया तो इन्होंने रिस्टार्ट पॉइंट से अपने को दे दिया और अपना नेल बॉम्ब अपने को वापस मिल गया। और मेरे को भी थोड़ा सा अलग लग रहा था कि नेल बॉम्ब मैंने यूज किया, नेल बॉम्ब तो नहीं बना सकते फिलहाल, अपने पास 2 नाइफ है अपग्रेड। कुछ पॉइंट बताए इसमें,
पोस्टर नोट्स ये क्या बताया? अच्छा ये जो अपन ने उठाया था वहां पे वो किसी सैनिक का बैच है, उसको बुलेट लगा है, दिखने में अच्छा दिख रहा है ना, एक गले में पहनने का लॉकेट समझ सकते हैं इसको, एक्चुअली लॉकेट नहीं है, ये जो आर्मी पर्सन है उसका एपिटा बैच है और उसका नंबर भी है जो बुलेट लगने की वजह से नहीं दिख रहा है अपने को। 25 पॉइंट से अपने पास लिस्निंग मूड अपन ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, क्राफ्टिंग के पीछे ज्यादा पड़ेंगे अपन अभी अभी। क्राफ्टिंग मेरे ख्याल से क्राफ्टिंग दोस्तों अगर अपन करते तो और भी पॉइंट्स, स्किल पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने दिए, वेपन स्क्रैप ये डिस्प्रेस द वेपन स्क्रैप 100 to 50 मतलब जल्दी हो जाएगा। और ये क्या है, ट्यूब ब्रेक फ्री लिकर ग्रैपल, ओके इसको 75 पे अपग्रेड करेंगे तो नाइफ टूटेगा नहीं अपना, अपन नाइफ यूज कर सकते हैं। एनीवे चलो आगे अभी अब लूट करते हैं, देखते क्या है। इस गेम में जब भी मेरे को स्प्रिंट दौड़ने का मिलता है ना तो मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि स्प्रिंट करने का या भागने का ऑप्शन यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे अपने को लूट मिली है लेकिन एक मियोकी, लेकिन बैंडेज चाहिए अपने को, ये बनाने के लिए बैंडेज चाहिए। ओके बन गया, बढ़िया, दो बॉम्ब बना लिया अपन ने, सबसे अच्छी बात है ये, आगे काम में आएगा। और मैं भी कुछ नेल बॉम्ब यूज करना चाहता हूँ सच्ची बोलता हूँ। अरे अभी नहीं भाई, तू नेल बॉम्ब हाथ में पकड़ के मत चलो, उस दिन मौली पकड़ी थी फटी थी मेरे ऊपर ही गिरी थी, शॉटगन ही पकड़ेंगे हाथ में। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा माउस ट्रिकी हो रहा है मेरा, थोड़ा मेरा बेंच है ना लंबा है, मतलब माउस पकड़ने का जो एक्चुअली मेरा सिटिंग अरेंजमेंट है ना, मेरा जो एक्सरसाइज का बेंच था जिससे मैं एक्सरसाइज करता था, उसका जो बेंच रहता है नॉर्मली जिम जाते हैं उनको पता है, वो जिम के ऊपर बेंच के ऊपर मेरा सेटअप है, तो माउस थोड़ा हिलाना मेरे को भारी कर रहा है। यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट जाना ठीक नहीं है, ये भले डायरेक्ट जाए अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि इस गेम में और एक खासियत बात ऐसी है ना कि जो आपके साथ बंदे है ना, आपके साथ बंदे वो स्पॉट नहीं होते, भले एनिमी कितने भी रहे, अगर वो भागते रहेंगे तो उनकी आवाज नहीं जाएंगी, लेकिन अपन जरा भी मेन कैरेक्टर जरा भी हिलेगा तो उसकी आवाज जाएगी। तो ये बिल और एली के ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे अपन, क्योंकि गेम ने इनको छूट दे रखी है घूमने की, तो अपने को नहीं है, अपने को संभल के जाना है। ये कैरेक्टर कितने भी आगे जाए आप, ओके ये पूछ रहे जोली से, पूछ रहे और कितना आगे जाना है भाई, और कितना आगे जाना पड़ेगा अपने को, तो ये बोल रहे थोड़ा ही है। तो चलो आगे बढ़ते अपन, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है, इस पे जाना भाई, तू क्यों इतना ही कर रहे है? चलो यहाँ पे कोई नहीं, आराम से लूट देखो, यहाँ पे लूट अगर अपन ड्रॉप करते हैं ना तो अपने को आगे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा। ये क्या किसी की नोट है, ये पढ़ते थोड़ा सा थोड़ा बहुत, डायरी लिखता था वो इतना वेरे ये नहीं। मतलब वही कहानी लिखी है इसमें कि इन्फेक्टेड बंदे स्कूल के इधर आ गए तो स्कूल बंद कर दिया, वो क्वारंटाइन का नोटिस है, ये सब लिखा है उसमें। तो इससे यही अपने को ये डायरी से खाली इतना ही मिल रहा है कि स्कूल के आजू बाजू बंदे बहुत, ओके यू हैव 30 सप्लीमेंट्स, ओके देखो सप्लीमेंट मिला, अपन यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं अभी ज्यादा क्राफ्टिंग के ऊपर जोर दूंगा, हील तो मेरे लिए काफी है, हील 100% अपने इतनी इनफ है, और लिस्निंग का तो भी अपना चल जाएगा, जितना डिस्टेंस चाहिए उतना लिस्निंग है। क्राफ्टिंग पावर के ऊपर अपन लोड करेंगे अभी, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, और हेल्थ स्पीड के ऊपर भी मैं इतना नहीं, वेपन स्वैप के ऊपर नहीं, लेकिन ये जो शिव है देखो, ये चाकू मेन है गेम का, दिखने में छोटा सा हथियार है लेकिन ये चाकू के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं होगा। मोलिटॉस बना सकते हैं यहाँ पे, ओके एक मोलिटॉस भी बना के लिए, बढ़िया अपने पास ऑलमोस्ट। अरे भाई मॉलिटस हाथ में मत पकड़, मेरी फट जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम भंकस में मैंने क्लिक कर दिया था, मतलब मेरे को पता ही नहीं चला था लेफ्ट क्लिक कब हो गया और खुद को जला के लिया था।
उसको बोलते ना खुदकुशी करना, सुसाइड जैसा हालत हो गया था। एली यार बीच में मत आ, चलो आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात अच्छी है, एली बिल के साथ नहीं रह रही है, जोल के साथ ही आगे घूमना पसंद कर रही है, मतलब किधर भी जा रही है जोल के साथ ही जा रही है, सबसे अच्छी बात है। चलो ये थोड़ा सा अपने को सर्च करने में टाइम जा रहा है, लेकिन ध्यान भाई लोग यही सर्च जो है ना अपने को बचाएगा, रिसोर्सेस पैक अपने को दिलाएगा। माउस का स्पीड थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, माउस का स्पीड थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते। ओके माउस का स्पीड एमिंग स्केल कंट्रोल्स, ओके माउस स्मूथनिंग थोड़ा सा कम कर लेते हैं। आज ही मैंने सेटअप में थोड़ा चेंज किया था, मेरे को लगा था थोड़ा स्मूथ लुक चाहिए, लेकिन इतना स्मूथ ज्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पे एरो मिल गए, बढ़िया, ये सबसे बेटर बैट हुई आज के गेम में कि अपने को एरो यहाँ पे मिल गए और ये अपने को सपोर्टिंग देंगे क्लिकर को मारने के लिए। और भी कुछ है देख लेते, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोड़ना भारी गिर सकता है, कुछ भी छोड़ना यार, ओपन वर्ल्ड का गेम रहेगा। ये देखो यहाँ पे अपने को फ्लेंच मिली और फ्लेंच काफी हद तक रोल अदा करती है। टूल अलाउ टू सोल एक्सेस टू मोर वेपन अपग्रेड, देखा ये अपग्रेड करने के लिए ये फ्लेंच जरूरी है, इसको जरा ध्यान से देख लेते। ओके ओके अपग्रेड में सपोर्टेड रहेगी फ्लेंच के। ओके चलो ओके हाँ पता चला मेरे को, गेम भी बता रहे ज्यादा टाइम ले रहा है तो आगे यहां से जाना है। चलो लेकिन कुछ भी बोलो यार फाइट में मजा आने वाला है, आगे और मॉन्स्टर आएंगे, आगे और मॉन्स्टर आएंगे। और ट्रक तो सामने दिख रहा है, स्कूल भी सामने, और यहाँ पे खास बात देखोगे एक दो तीन ये बोल रहा है आवाज करना खतरे से खाली नहीं होगा। और मैं भी समझ रहा हूँ बिल कि बूम बाम करेंगे तो जल्दी से अपनी बच सकती है, कोई बात नहीं आराम से ही चलेंगे। रनर ज्यादा है यहाँ पे, रनर्स ही ज्यादा है तो इसको टेक डाउन करना आसान रहेगा, कोई इतनी खास बात नहीं है। अरे इसने ओपन फायर कर दिया, बिल ने ना मेरी पजाटी पूरी गेम की। कसम से बोलता बिल ने ना ओपन फायर किया, मैं कुछ अलग मूड में था, लेकिन कुछ नहीं तेरे भाई ने संभाल लिया मैटर। बिल यार तू कमीनीगिरी कर रहा है, कसम से बोल रहा हूँ कमीनीगिरी कर रहा है तू यार, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा है और तू कुछ और कर रहा है। अबे बिल कमीने कमीने साले, में साइलेंट में मारने की कोशिश कर रहा था, तूने ओपन फायर क्यों किया? माना कि तू हटेली है लेकिन मेरी फटेली मत कर, तू जरा संभाल के खेलना यार, बच जाएगी, इधर उधर मत देख, कमीने तेरे से बात कर रहा हूं। ए बिल क्या बोलेगा यार इसको, यार कुछ समझता नहीं बात को, निकलता आधी रात को ये बंदा, ये इतना सीरियस मूड में गेम खेलने की कोशिश कर रहा हूं और बिल पूरे मेरे गेम के प्लान बजा रहा है, बैंड बजा रहा है, सॉरी प्लान नहीं बजा रहा, बैंड बजा रहा है, लेकिन बैंड भी ऐसा वैसा नहीं है, नासिक ढोल बजा के रख दिया, ये क्या है, इसको फोड़ेंगे क्या? बिल तू कमीन है, कसम से बोलता हूँ तू कमीन है बिल, एक नंबर का कमीन है। कोई बात नहीं अभी अपने साथ है तो संभाल के लेना पड़ेगा, एड़ा है तो क्या हुआ मेरा है, टेड़ा है तो क्या हुआ मेरा, क्या गया वैसा बोलते ना, हाँ क्या, हाँ डायलॉग ऐसा है ना,
गधी मन को भाई तो परी क्या चीज है, वैसे बिल के बारे में मेरा हो गया, एक गधा है लेकिन अभी अपने साथ है तो इसको संभल के लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई शॉटगन भी तो इसकी दी हुई है। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे तो खाली कर लिया मैंने, आगे कोई दिख नहीं रहा वैसे। शॉटगन ही यूज करूंगा मैं, शॉटगन ही ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, और ये बम ट्रिक से यूज करेंगे, बम का मैंने देखा है ना, रास्ता तो इधर से दिखा रहा है। चलो बंदे तो आजू बाजू बहुत रहेंगे, ज़ॉम्बीज तो भर भर के रहेंगे यहाँ पे। कोई तो आया, ये भागना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। भाई किधर से अचानक आ गया, अभी वही से रास्ते से मैं आया था, तभी तो कोई नहीं था। मैंने हिल इसलिए नहीं की, बोलो कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा करके, लेकिन नहीं, हिल करके रखनी पड़ेगी लगता है। अब भी कोई नहीं था, और अचानक देखो कितने ज़ॉम्बीज आ गए यहाँ पे। कोई अब भी देखा था अपुन ने, पता है यहाँ पे कोई नहीं था। चलो कुछ फाइट, ओपन फाइट होने बॉम्ब यूज करने का टाइम आ चुका है। अरे नहीं 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 नहीं, तू भाग, तेरे को हील यूज कर। Well, that was easier than I thought it'd be. They must be holed up somewhere else. Well, let's not test our luck. How do we get inside? और भी बंदे यहाँ पे रहेंगे और स्कूल में। ओके, बस के ऊपर लैडर है, लैडर से अपने को निकलना पड़ेगा। चलो निकलते, लेकिन आजू बाजू ढूंढते ही निकलते, और आजू बाजू और होंगे यहाँ पे, मैं समझा लैडर मेरे को देखना है, ये इतना तो ध्यान में आ गया। इसको पुश करना पड़ेगा अपने को, एली को। आजा एली, एली आजा आजा आजा, समझा मैं तेरे को ऊपर करना, ड्रॉप करना। अरे आजा ना, भैया आगे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी आने वाले हैं, बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी आएंगे आगे। एली को तो ऊपर चढ़ा दिया, लाइटर नीचे गिराएगी तो। बिल्कुल बिल, इसको बोल रहा ऊपर मर मत जाना, और ये इसको थैंक्स बोल रही। दोनों चिड़चिड़े बंदे, दोनों ही एग्रेसिव बंदे, मतलब किसी की बात सुनेंगे नहीं, टेढ़ा जवाब करके वो जवाब जरूर देंगे, ऐसे बंदे। चलो आगे बढ़ते, ओके ट्रक पे जाना है बिल, में समझा, लेकिन ट्रक पे आसान नहीं होने वाला इधर। ट्रक यार, ट्रक तो अंदर घुसा हुआ है, तो अंदर जाना पड़ेगा बिल्डिंग। ओ भाई बंदे आ रहे, जल्दी खोलना पड़ेगा, ये नहीं खुल रहा यहाँ से। जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो बचने वाले बहुत सारे बंदे, बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे। ओ भाई पकड़ लिया, पकड़ लिया। ओ बच गया, अरे उड़ा ना यार बिल, कब का उड़ाना चाहिए था इसको। ओ भाई इधर से आ जाएंगे, कट सीन चालू है। बहुत सारे ढेर सारे ज़ॉम्बी की बारात आ चुकी है यहाँ पे। ओ भाई यहाँ पे गेम हो चुका है,
ये लोग जिस बैटरी के लिए आ रहे थे, लेकिन वो बैटरी नहीं है वहां पे। बैटरी के लिए आए लेकिन उस ट्रक में बैटरी नहीं है। ओ भाई, ये तो खेला हो गया इनके साथ। यो भाई, यहां से ऐसा हो गया ना, आसमान में गिरे खजूर में लेट के। यहाँ पे क्लिकर ही क्लिकर है, वही खेलें करेंगे, एरो यूज करेंगे अपन। इसको आवाज आ रही है जैसे ये जो बढ़िया, एक ही एरो बचा, आराम से आगे जाएंगे। अपने पास ईट ये है ना, मार सकते, ईट से भी मार सकते अपन, लेकिन आराम से चलते थोड़ा सा। दो बंदे आगे है, ये तो ये रनर है, इसको आराम से टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करेंगे थोड़ा सा। और बंदे हैं यहाँ पे, इजी टेक डाउन हो चुका। ये देखो, ये है ना, ये रनर है, इसका मुंह देखो सीधा दिख रहा है एकदम, कुछ भी नहीं है, प्लेन है। ये रनर है, ये भी रनर है, ये भी रनर है, और ये जो है ये स्ट्राइकर है। इसका मुंह अभी तक पूरा ओपन नहीं हुआ, ये स्ट्राइकर है। और पहला जो मारा अपन ने वहां पे वो क्लिकर है, ये क्लिकर है। देखो इसका मुंह पूरी तरह से सड़ गया, मतलब ये फूला फूला, ये क्लिकर है। तो ये तीन स्टेज है, समझे? मतलब आपको ध्यान में आ रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना कैसा है करके? वापिस बता दो, देखो ये हुआ रनर, ये पहला स्टेज है इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड जो बंदा रहेगा उसका पहला स्टेज है रनर, इसका मुंह पूरा सीधा है आदमी की तरह अभी भी दिख रहा है। इसके बाद बनेगा ये जो रनर है, आगे चल के बनेगा अगर ये बनेगा स्ट्राइकर। और यहाँ पे ये क्लिकर देखो, ये थर्ड स्टेज है क्लिकर की, ये पूरी तरह से खुल गया है मुंह इसका, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। चलो आगे बढ़ते, यहाँ पे गन स्वैप करना थोड़ा सा हार्ड है। चलो आगे बढ़ना है अपने को, रास्ता किधर से दिख नहीं रहा है मेरे को अभी। यहाँ पे तो कोई है नहीं, थोड़ा लूट करेंगे आगे चलते हो। फिलहाल तो दिखा नहीं, अचानक से कोई आ जाएगा ना तो अब बोल नहीं सकते अपन। पूरा भाई एक क्लिकर है, क्लिकर था वो, और वो रनर था लास्ट में। हाँ पता है मेरे को, और आजू बाजू है क्या कोई? फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा। शॉटगन की एमो बढ़िया, थोड़ा पीछे को छोड़ दिया अपन ने। यहाँ पे पूरी पोज भरी पड़ी है, थोड़ा पीछे चल के देखते हैं अपन। वहां पे अपन ने शायद कुछ सामान छोड़ दिया है, हो रास्ता तो मिल गया अपने को, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ पे चेक करेंगे अपन। ओके, चेक करना जरूरी भाई, विदाउट रिसोर्सेस के आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन। लॉक है यहाँ का, तो वहां से आगे बढ़ना है। मॉलिक्यूल टॉर्च तो एक ही है अपने पास,
मोलिटस यूज करेंगे, देखते हैं कैसा सिचुएशन बनता है। ये देखो आगे आ रहे हैं लोग, और आगे आ चुके, आवाज सुन ली है इन लोगों ने। आने दो इनको, आगे आने दो। क्लिकर रहेगा ना, थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम ये होता है, उसको मारना आसान नहीं है साइलेंटली। वो साइड पे लोग पूरे ज़ॉम्बीज़ वो साइड पे, यहाँ पे बैठ है। बढ़िया, मैं इसकी राह देख रहा था, कोई मिली वेपन मेरे को मिले अच्छे से, तो मिल चुकी है। अभी चलो आजा आजा मेरे पास, झुक के ही चलना पड़ेगा अपने को, कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपग्रेडेड है, बेसबॉल की बैट मिली अपने को, अपग्रेडेड है। और डालेंगे अभी इन लोग को, ये आ गया। चल ओ भाई, ओ यार अच्छा मारा था इनको। अरे यार चलो डायरेक्ट फाइट लेते, कोई पोटेंशियल नहीं इनको, इतना रनर ही है। आजा आजा आजा, थोड़ा नजदीक आ, और नजदीक, बढ़िया। तू भी आना यार, क्यों पीछे रह रहा है? शर्मा मत, शर्मा मत, शर्मा मत, शॉटगन की तेरे को भी दे देंगे दो चार। क्लियर तो है बिल, लेकिन थोड़ा सा साइलेंट मारना था जिसका मजा चला गया। कोई बात नहीं, बंकस बंकस में मार देते थे मजाक मजाक में, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यहां से उठा लेते बेसबॉल, बेसबॉल की बैट है, वो भी अपग्रेडेड है, हील है यहाँ पे। मेरे को ना ये जो ब्रिक्स से अच्छा सा, ब्रिक्स से अच्छा ना बॉटल लगती है, जो बॉटल है खाली। थोड़ा थिंकिंग ऐसा भी है मेरा कि ये बॉटल रहेगी तो ये मॉलीटॉप भी बनाने के काम आएगी, सोच कुछ सोच ऐसी ही रखता हूँ। ओके अपग्रेड के पॉइंट ओपन है, 30 हो चुके। लिसनिंग मूड का कुछ नहीं करेंगे, लिसनिंग नहीं, क्राफ्टिंग बढ़ाएंगे 50% पे, क्राफ्टिंग बनाएंगे और डायरेक्ट बाद में यूज ट्यूब ब्रेक। ओ भाई ये मैटर ऐसा है ना, वो मैंने तभी भी ध्यान से देखा नहीं, अभी भी ध्यान से देख रहा हूँ। यूज ट्यूब ब्रेक फिर ऑफ क्लिकर का, ये अपग्रेड करना पड़ेगा। शॉटगन की एमओ मिल चुकी है अपने को, अपग्रेड रीलोड मार लेते, चलो निकलते। इनको तो मार दिया, पूरा एरिया खाली होगा, आगे बढ़ेंगे। भाई सफर तो खतरनाक हो रहा है और रिस्की भी हो रहा है भाई, यहाँ पे जाना है। लॉक, ओके रेडी रेडी रेडी, जल्दी चल। आवाज बहुत, ढेर सारी आवाज हुई है यहाँ पे। मेरे को लगता है कुछ तो कांड होने वाला है, इन लोग ने बंद तो कर। ये क्या हो रहा है? ओ भाई ये फोर्थ लेवल है, ये फोर्थ लेवल है, आ चुका है, इसको मारेंगे यहाँ पे। मॉलिटॉस यूज करेंगे इससे। ए भाई ये जो मार रहा है ना, खतरनाक मार रहा है कुछ भी।
ये कुछ तो निकाल निकाल के फेंक रहे हैं अपनी हथेड़ी या कुछ। वन शॉट डाउन किया इसने, वन शॉट डाउन किया अपने को, तो इससे बचना पड़ेगा इस स्प्रिंट। ओके, इससे बचना ही पड़ेगा। मारा तो अच्छा था, इसके हाथ नहीं लगना अपने को। पहले चोचले को मार देते अपन। इससे लंबा ही रहना अपने को, मॉलिटॉस निकाल के रखते। ये कुछ कुछ निकाल निकाल के फेंक रहा है साला, फ्री का मिला है क्या इसको? इससे बचना है अपने को, इसके हाथ में नहीं आना क्योंकि ये वन शॉट डाउन करने वाला बंदा है। जो वापिस कुछ निकाला इसने अपने सड़े हुए बॉडी से, भाग भाग ना यार, तू रुकता क्यों है? ओ भाई, अच्छा वो मर गया जल्दी से। आपने देखा इसका वन शॉट, अपनी एक गलती अपने को भारी गिर रही थी वहां पे। Jeez, what was up with that big guy? He's been infected for a long time. We call them bloaters. ये वही वही है, पहले पूछ रही कि ये कौन है, ये वो अभी ढोल बोल रही। जब क्लिकर से भी ज्यादा ये लोग इन्फेक्टेड ज्यादा टाइम रहेंगे ना तो ये बन जाते हैं, तो इसको बोलते क्या है? इसका नाम तो कुछ रहेगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका कुछ तो नाम रहेगा। और ये खतरनाक बंदा है, इसके हाथ के नीचे नहीं आना है, हाथ के आजू बाजू, हाथ के नीचे छोड़ो, इसके हाथ के आजू बाजू भी नहीं आना है। इसको दौड़ दौड़ के ही मारना पड़ेगा अपने को, कोई बात नहीं। एक बार हाथ में आ गए ना ये बंदे को तो ये बोलते है ना फिनिश करके ही छोड़ेगा, तो ध्यान में चलो आ गया कि इसके हाथ में नहीं आना है इसको। बढ़िया। अरे संदीप जायसवाल, वेलकम वेलकम जायसवाल भाई, कैसे हो? थैंक यू विजिट करने के लिए, क्या बोलते हो? खाना हो गया आपका? रीलोड मार लेते, हीलिंग देनी चाहिए थी ना इन लोग ने, हीलिंग नहीं, मैं मॉलीटॉस बनाऊंगा कसम से बोलता हूँ। मॉली ही काम में आने वाली है और ये बनाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो तीन तो मेरे पास वो है, शॉटगन रखते हाथ में, 14 बुलेट है अपने पास शॉटगन की। बढ़िया, ये सबसे अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। इसकी बॉडी देखो, ये पूरे बॉडी से ना कुछ निकाल के मार रहा था सड़ा हुआ साला, पूरे बॉडी से कुछ ना कुछ निकाल के फेंक के मार रहा था और उसकी हिट भी ज्यादा थी, डैमेज उसकी ज्यादा थी। ओके चलो निकलते यहाँ से, अपने को रास्ता इधर ही दिख रहा है। ओके लेकिन यहाँ पे कुछ लूट रहेगी तो देखूंगा। और जायसवाल भाई क्या बोलते हो, आके निकल गए क्या? भाई से बात नहीं करोगे, नाराज हो? 30 स्किल पॉइंट है अभी भी। मतलब ये फोर्थ स्टेज है, वो आखिरी रह गया, आई होप, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो तो मेरे को खींचो, बिहाइंड या आओ भाई, ये तो कांड हो गया। यहाँ पे रनर्स, यहाँ पे कमीनो, यहाँ पे आ जा, जा। Finish it off already.
और आओ, और है कोई? ये क्यों आए थे मेरे को पता नहीं चला। हाँ पता है, आ रहा हूँ, रुकना बिल, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? और आने दे, तेरा भाई डरता है क्या? अभी अभी इनके बॉस को मारा है पुण्य, एक बार मर के। लेकिन ये लोग इधर से आए तो क्यों आए? जाने दो, छोड़ो यार, इतना भी अपने को ये नहीं करना, चलो आगे बढ़ते। बढ़िया, चलो रास्ता वहां से पता चला अपने को। ये अभी मेरे ख्याल से ना, ये लोग जो रास्ता पकड़ रहे, मेरे ख्याल से ऐसा मेरे को डाउट है। हाँ हाँ, ये अपने पार्टनर के पास जा रहा है शायद। ओके, और नजदीक, बस चल। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बिल तेरे को हील करना पड़ेगा, नहीं तो चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा। हील देखो कितनी कम बची है मेरी, और इधर चिल्लाने की आवाज, ढूंढी और भी आ रहे हैं। हाँ बस घर के अंदर चलना है, और अभी परेशानी है ना, बैटरी भी नहीं ली जी। अभी जोल भी परेशान हो चुका कि जिस काम, ये ओ भाई, झोल परेशान हो चुका है, इतनी तकलीफ उठा के ये लोग बैटरी के पास आए, ट्रक के पास आए, बैटरी नहीं मिली। झोल बोलता है आगे क्या है अभी? तो ये बिल बोल रहा है किसी ने मेरा प्लान चुरा लिया, किसी को इसके बारे में पता था। तो नॉर्मली मेरे को डाउट है ये बिल का पार्टनर होगा, जिसके जिसको बैटरी के बारे में, और उसने चुरा ली बैटरी, चुराई होगी। ओ भाई यहाँ पे कोई लटका पड़ा है। What, you know this guy or something? ये पूछ रहा है, इसको पहचानता है? Frank. ये फ्रैंक, ओ भाई इसका पार्टनर ही है फ्रैंक जो यहाँ पे लटका पड़ा। ये बोलो इमोशन मोमेंट्स आ चुके हैं, और इसको यकीन नहीं हो रहा है कि इसने फांसी लगा के डेड जान अपनी ली, ये इसको भरोसा नहीं हो रहा है बिल्कुल। He's got bites. Okay. Here. लेकिन बिल कुछ भी बोले अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन ये अपना पार्टनर से मतलब लगाव था, इसको फ्रैंक से लगाव था, और फ्रैंक को किसी ने काट लिया, रनर या किसी ने, तो वो फ्रैंक इसलिए उसने खुदकुशी की कि ताकि वो ज़ॉम्बीज ना बने। और यहाँ पे गाड़ी मिल चुकी है, ये चालू है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और इसकी बैटरी भी मिल गई। मतलब फ्रैंक ने इस फ्रैंक ने इसकी बैटरी चुराया, ये बैटरी फ्रैंक ने चुराई थी, क्योंकि ये बिल को पता था, तो नॉर्मली फ्रैंक को भी पता था, और फ्रैंक ने पहले ही बैटरी चुरा के ले ली है। चलो बैटरी मिल चुकी, गाड़ी चालू हो जाएगी, लेकिन drained, but cells are alive. Meaning we push it, get it started, and the alternator will recharge the battery. Is that your guess? Look, you wanted a plan B. This is as good as it gets. अभी ये तो हुआ कि बैटरी मिल गई, गाड़ी के अंदर लगी, लेकिन बैटरी ड्रेन हो चुकी है। लेकिन बिल बोल रहा है इसको चालू कर सकते, गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो भाइयों, समझ रहे हो, इसका मतलब आगे फाइट तगड़ी होने वाली है, तगड़ी फाइट होंगी होगी यहाँ पे बिल की बैटरी नहीं, बिल जो बैटरी इसने इसके स्टक भी मतलब गन भी यहाँ पे लेके आ गया था, चुरा के या बोलो या कुछ भी बोलो, ये लेके आ गया था यहाँ पे फ्रैंक। और फ्रैंक का नसीब इतना खराब है, बिल से तो अलग हो गया, लेकिन उसको ज़ॉम्बीज ने काट लिया। और ओके, निकलने के लिए बोल रहा है जल्दी से, लेकिन मैं निकलूंगा नहीं, मैं सर्च करके ही निकलूंगा, भाड़ में गया।
बिल तू वेट करना मेरा, क्योंकि मेरे को पता है विदाउट मेरे को रिसोर्सेज कुछ मिलने वाला नहीं है, और बार बार मैं मरते रहूंगा वो मेरे को मरने का नहीं है। चलो यहाँ पे एक बात तो अच्छी हुई ना, अच्छी मतलब यार कि पार्टनर मरा बुरा। यहाँ पे देखो यार आगे आने पे यहाँ पे लॉक कर लिया, मतलब आप पीछे नहीं जा सकते, तो इसके लिए यार जब भी आपको टाइम है तभी सर्च करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे हील करते, देखो मैं हील करना भूल गया इस सिचुएशन में, हील करके लेते पहले। नहीं नहीं नहीं, नहीं कैंसल कैंसल हील, यहाँ पे हील पड़ी हुई है। ओके थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी हील दे दो। प्रॉब्लम ऐसे है ना कि आप अपने जो आपके पास जो हील है आप वो करोगे ना तो गेम हील नहीं दे रहा है, गेम मतलब आगे हीलिंग नहीं दे रहा है, तो उठा नहीं पाओगे आप हीलिंग, आपको करके लेनी पड़ेगी हीलिंग। तो पहला जितनी आजू बाजू हील है उठा लेते हैं, ऊपर वापिस देखते हैं। यहाँ पे कुछ है मैंने देखा नहीं उसको। ये लेटर है किसी का, फ्रैंक का लेटर है, गुड लक मे बी ये बिल। ओ भाई बिल के नाम पे लेटर है फ्रैंक का, डाउट। I hate work. You are the attitude I want to work for life than battery you kept on. But guy, you are right. But I guess you are right. Trying to leave this town will kill me. Still better than spending another day with you. तो ये ना यार फ्रैंक ने मरते हुए लेटर लिखा है, उसका भी कोई और नहीं था, तो देखो यार कोई सुसाइड करने जा रहा है बंदा तो उसको ही लेटर लिखेगा जो उसका करीबी है। तो फ्रैंक है ना ये बिल, उसको लगता था कि ये बिल डरपोक है, डर डर के जीता है और उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। और बिल इसको बोल रहा था कि टाउन छोड़ना नहीं है अपने को, टाउन छोड़ेंगे तो खेल खत्म हुआ, ये माना नहीं फ्रैंक। इसने टाउन छोड़ दिया और इसको ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया, तब जाके उसको एहसास हुआ कि बिल सही बोल रहा था कि वहां पे अपने को ले रहा था। लेकिन बोलते ऐसे जीने से अच्छा, डर डर के जीने से अच्छा मैं अभी जिस तरह से ठीक है, डर डर जीने से अच्छा मैंने कोशिश की, और तू जो बैटरी बोल रहा था वो भी मैंने निकाल रही है, मतलब इसने बैटरी चुरा ली गांव से, यहाँ से टाउन से निकलने के लिए, क्योंकि पूरा टाउन यार इस ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ था, तो ये नहीं चाहता था कि घुट घुट के जे आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन इसका बैड लक है कि इसका नसीब खराब, इसको ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया और मजबूरी में इसको सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि इसका अभी तक कोई एंटीडोट नहीं बना है जो ज़ॉम्बीज़ काटने पे इसका कोई एंटीडोट नहीं, तो ये ज़ॉम्बी ना बने जैसे कि टेस्ट ने डिसीजन लिया था वैसे इसने डिसीजन लिया। ये लेटर मेरे ख्याल से बिल को देना जरूरी, पता नहीं गेम ऑप्शन देगा तो दे देंगे, देना जरूरी क्योंकि आखिरी लेटर है और वो भी बिल के नाम है, मरता हुआ बंदा है, मरने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है, तो उसके लिए बिल की अहमियत ये फ्रैंक है। और भाई इसको मर के भी काफी टाइम हुआ, इसका चेहरा देखो पूरी तरह से गल गया, मतलब इसको मर के भी ज्यादा टाइम हुआ है। चलो आगे बढ़ेंगे, लेकिन यार जाते वक्त भी इसने बोला कि बिल तेरा डिसीजन सही था, टाउन छोड़ना नहीं है, टाउन छोड़ने पे अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो इसका डिसीजन इसको सही भी लगा। हील कर लेते हैं अभी यार, कोई हील और आगे नहीं मिलेगी अपने को, एक हील तो करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि इतने शॉर्ट हील में अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके तो हील कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ एक हील भी बना सकते हैं और ये बॉम्ब भी बना सकते हैं और ये नाइफ भी बना सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बॉम्ब बनाना बेटर ऑप्शन है क्योंकि बॉम्ब का डैमेज अच्छा है और अपने को सपोर्टिंग रहेगा। ओके और यहाँ पे अभी हील बना सकते हैं, मॉलिटॉस बना सकते हैं और हील बना सकते हैं, तो मेरे ख्याल से हील तो एक मॉलिटॉस बना के रखते हैं, मॉली दे लेते हैं। ओके और आगे बढ़ेंगे, क्राफ्टिंग पॉइंट देखते हैं, 35 हो गए, 40 होने पे 50 होने पे क्या करेंगे, क्राफ्टिंग स्पीड बढ़ा, क्राफ्टिंग स्पीड इंक्रीज द क्राफ्टिंग स्पीड फ्रॉम 100। ओके तो अभी फिलहाल क्राफ्टिंग स्पीड सही है, तो सेव क्या करें,
ये जो वेपन अपन चेंज कर रहे हैं ना, डिक्रीज द वेपन स्वैप फ्रॉम 100 to 50, ये बहुत जरूरी है क्योंकि वेपन जल्दी चेंज नहीं हो रहे। तो देखते फिलहाल 50 पॉइंट होने दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये तो हेल्थ बढ़ा देगा अपनी। चलो अपन मेरे ख्याल से शिव मास्टर्स होना जरूरी है, मेरे ख्याल से, मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है वो चीज। चलो धक्का मारना पड़ेगा गाड़ी खोलने के लिए। चलो आगे बढ़ते भाई, सभी से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत। ओके Keep your foot on the clutch, and when we get to I know how to pop a clutch. इसको direction दे रहा था बिल, और यार आप तो जानते हैं हेली को पता नहीं, ज़्यादा बिल कुछ बात करेगा तो गुस्सा आ जाता है। क्लच पे पावर रख रहे, हेली बोलती सब मेरे को पता है, बता मत। ऐसी कुछ बात है, बता मत नहीं बोली, लेकिन मेरे को पता है मैं कर। और बिल भी यहाँ पे खुश हो गया कि हेली ने अच्छी गाड़ी ड्राइव की, रोड तक लेके गई पुश करने के बाद, उससे वो खुश हो गया। चलो गाड़ी को धक्का मारना, और यहाँ पे कंफर्म ज़ॉम्बी आएंगे। ए! भाई एक जगह रुक के रिलोड नहीं कर सकते, एक जगह रुक के रिलोड नहीं कर सकते। एक क्लिकर था, एक जगह एक रुक के नहीं किया अपन, नहीं मार सकते अगर क्लिकर या कोई आता है तो, क्योंकि रिलोड रिलोड ज्यादा आ रहे हैं। ये क्लिकर है, इसको इसको पहला निपटाना पड़ेगा। एक जगह और रुक के रिलोड नहीं कर सकते, भागते रहना पड़ेगा क्योंकि क्लिकर बहुत नजदीक आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे भी अपने पास बेसबॉल बॉल है, बैट है, यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ध्यान नहीं आया इसमें। एक मिनट आजू बाजू देख लेते फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गाड़ी को धक्का मारना भारी गिर सकता है, कोई ना कोई अटैक करेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिला, बढ़िया एक्सप्लोसिव मिले, नाइफ मिले मेरे ख्याल से, तो बॉम्ब बना लेते हैं। यहाँ पे बॉम्ब बना सकते नहीं, अल्कोहल नहीं है अपने पास, बैंडेज नहीं। ओके बैट भी दो पॉइंट है अपने पास है, जो बेसबॉल बॉल बैट है उसके खाली दो पॉइंट है अपने पास, तो मतलब दो बार यूज करूंगा तो टूटेगी। चलो क्यों यार, क्यों, थोड़ा सा लूट करने दो ना हम लोग को यार, रिलोड कर लेते। चलो आगे आसानी से नहीं होगा ये धक्का मारना, मेरे को इतना पता है कि आगे बंदे हाँ फास्ट कर रहे हैं। राइट से कोई आ रहा है भाई, क्लिकर का टेंशन है मेरे को, ये क्लिकर है सामने। बेसबॉल बैट चेंज कर लेते। ओके इसकी हील फुल है, बेसबॉल बैट की ये ले लेते। रीलोड मार लेते, बुलेट खत्म हो रही है यार। क्लिकर को मारना ना बहुत हेवी हो जाता है। चलो और आगे बंदे आएंगे कंफर्म, एक बुलेट। ये बोल रहे इसको जो ढोल को बोल रहे, तूने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, ये बात तो सही है। Oh,
ये क्लिकर था। अरे भाई, अरे एली को मारा, एली को भी शॉप, एली के आजू बाजू ही रहना पड़ेगा। एली के आजू बाजू ज्यादा लंबा नहीं जाना पड़ेगा। You know that, Joel, huh? We're almost out of your hair, Bill. Guys, from the outside, you left! Good morning. Baseball ball toot gaya apna. ये क्लिकर है, क्लिकर आ रहा है, बढ़िया। एली के भी आजू बाजू रहने, एली की भी सेफ्टी देखनी है अपने को, ऐसे आगे बढ़ नहीं सकते अपने को। बेसबॉल बैट टूट गया अपना, पीछे से ले सकते चाहे तो। शॉटगन के एमओ मिली है, ये रिलोड मार लेते हैं। रुक रुक रुक, आगे मत जा, बेसबॉल बैट उठानी पड़ेगी। शॉर्ट गन ही ज्यादा यूज करेंगे। ये देखो आ गया अपन, क्या यार, आगे ढेर सारे बंदे। दो ही अपने पास एमओ बची है, जल्दी निकलना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा अभी। ये वापस आ रहा है बंदा। भागना पड़ेगा भाई। पहली तो गाड़ी लेके आगे गई, भागना पड़ेगा, इतने ज़ॉम्बीज में रुक नहीं सकते अपन। यस 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 यस, आई नो दैट, चलो निकलना है, इतने ज़ॉम्बीज में अपन फाइट नहीं कर पाएंगे, जल्दी कर अली, भागना है अपने को यार, कोई ज़ॉम्बी कूद ना जाए। बढ़िया, निकल तो गए यहाँ से भाई। सभी से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर देना, मरते मरते बचे हैं यहाँ पे। ये गाड़ी रुका रहा है यहाँ पे, शायद इस ये निकल रहा है अभी। Just keep it running, all right? That girl nearly got us killed. मरते मरते बचे है, बोल रहे गर्ल मार देती है लड़की मेरे को। She did hold her own back there. You ain't gonna make it. Oh. ये निकल रहा है क्योंकि इसका साथ उतना ही था। इसने कुछ दिया अपने को, व्हाट इज दिस, मतलब गैस से पेट्रोल डीजल निकालने के काम में आएगा, इसके लिए दिया, अप्रिशिएट। Got your buddy back there. That's a tough deal. We square. We're square. And get the fuck out of my town. बिल अजब बंदा है, इसने जाते जाते बोला कि इसने झोल ने ना थोड़ा सा रिएक्ट किया कि तेरा जो बंदा फ्रैंक मर रहा है उसको अपन नहीं वापस ला सकते, थोड़ा सा उसको नॉर्मली उसका खास बंदा था तो थोड़ा सा बोलते ना धीरज देने की कोशिश की, लेकिन बिल भी जाते जाते बोला कि चल निकल मेरे यहाँ से, मतलब मस्करी में बोला, इमोशनल में बोला, इमोशनल होके बोला है बंदा, और ये भी थक चुके अब। ओ मैन, ये सो रही है। I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only कुछ one book problem. पढ़ रही है। Right there. To be continued. Continue book पढ़ लिया इसने, continue book ने। Where did you get that? Back at Bill's. I mean, all this stuff was just lying there.
इसने बिल से बुक चुरा ही लिया खैर मैं और ये बोल रहे जो और क्या क्या चुराए वहां से तो इसने कैसेट भी चुरा ली वहां से बढ़िया That is actually before my time. और ये जो गाने की सीडी कैसेट से ये इसके टाइम से मतलब बहुत जूने गाने के कैसेट से ये लेकिन अच्छा है मतलब कुछ ये बोल रहे कुछ नहीं होने से तो जूना ही गाना सुन लेते Light on the reading, but it's got some interesting photos. Now, Ellie, that ain't for kids. Whoa! Oh! How the hell? ये models की book है थोड़ी गंदी है और ये देख रही है जोल इसको मना कर रहा है और ये सुन नहीं रही और पूछ रही है दोनों साथ में क्यों चुप के और मजाक कर रही है बोल रहे और इसने फेंक दी बुक गंदी बुक थी थोड़ी मॉडल्स की बुक थी जोल ने मना किया लेकिन इसने जानबूझ के पढ़ा और ये थक गई है पूरी you know what? This isn't that bad. और ये बोल रही है गाना इतना भी बुरा नहीं है ये बोल रही तू थक गई तो थोड़ा सो जा लेकिन ये बोल रही मैं थकी नहीं हूँ और देखो ये लड़की कितनी बदमाश है ना अभी झोल ने बोला तू आराम कर तो नहीं मानी और तुरंत सो गई यहाँ पे ओ भाई यहाँ पे पूरा रास्ता यहाँ पे स्टक पड़ा है गाड़ियों से भरा पड़ा आगे जाने का कोई नहीं और इसको भी कितनी थकी हुई तो भी नहीं बोल रही थी देखो कैसी लड़की है मतलब बोलते ना बदमाश लड़के होते वैसी ही है पीछे भी नहीं जा सकते आगे का रास्ता बंद है तो दूसरा सेकंड वेज यहाँ पे झोल ने लिया आगे बढ़ने के लिए बिल्डिंग्स पूरी रस्टेड हो चुकी है पौधे उग चुके हैं बिल्डिंग पे 20 साल से लॉकडाउन है हालत खराब है यहाँ पे बिल आगे बढ़ रहा है यहाँ पे कुछ तो आया कोई तो बंदा आया इमरजेंसी ब्रेक लगा है यहाँ पे प्लीज हेल्प ये बोल रही इसका हेल्प करेंगे लेकिन जोल नहीं मान रहा है उसने सीट बेल्ट उसको लगाने के लिए बोल दी है और उसका सही डिसीजन है उड़ा दिया है सामने वाले को ये शायद वही है हंटर्स करके जो ग्रुप के बारे में अपन पीछे सुना था ये वही है मे भी वही है लुटेरे रहते हैं ना उस टाइप के बंदे हैं शायद ये पता नहीं इन्होंने अटैक क्यों किया लेकिन चलो देखते हैं ओ भाई हालत खराब एली बोल रही है मैं ठीक हूँ लेकिन ठीक नहीं है ओ भाई ओ भाई झोल को मार रहा है ये बंदा पता नहीं इन्होंने अटैक क्यों किया बढ़िया ले भाई झोल को बचाना है अपने को अपना एली को बचाना है ओ भाई बच्ची को मार रहा है इसको छोड़ेंगे नहीं अरे क्या हो रहा है बटन प्लस नहीं हुआ मेरा यही पॉइंट प्रॉब्लम है इसको तो तड़पा तड़पा के मारूंगा लास्ट टाइम मेरा बटन प्रेस नहीं हुआ छोड़ूंगा नहीं ओ भाई बैग अंदर थी गन अपने पास नहीं थी उसको हाथ से ही मारना था और मेरे को ध्यान में नहीं है ओ भाई इन्होंने अटैक कर दिया ओपन अटैक कर लिया यहाँ पे आने दो आगे यहाँ पे एक बंदा आ चुका है चल निकल शाले पीछे से बुलेट चला रहा है एली मेरे पास आ जा मार तो दिया है सबको
और दो बंदे आजू बाजू अपने को यहां पे दिख रहे। दूसरी गन निकाल लेते, इसके एक ही बुलेट बची है। आजा आजा हेली आने दे उसको, आवाज मत कर इसकी। तो बुलेट कम है, आराम से टेक डाउन करना पड़ेगा। इचकी आ रही, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा अपने। पहले इनको निपटा दीजिए, सामने और एक बंदा दिख रहा है अपने को। रिवॉल्वर की बुलेट बढ़िया। और एक बंदा मेरे को आगे दिखा है। ओ भाई शॉटगन है इसके पास। इसको तो उड़ा देंगे। बस एली तो छुप के रही, इसके तो बोन तोड़ूंगा मैं। साला चल निकल। यही लास्ट बंदा था। Yeah, I guess so. Good. We need to get the hell out of here. You know the drill. Look around. See if there's anything we can use. इसको बोल रहा है कि आजू बाजू देखना, कुछ काम की चीज रहे तो उठा लेना। अपने को ना यार ढूंढना जरूरी है, अगर ढूंढेंगे नहीं तो सामान मिलेगा नहीं, तो फाइट भी नहीं होगी। गन की बुलेट नहीं है अपने पास। एक बार वापस चेक कर लेते आजू बाजू कुछ है क्या। लकड़ी भी टूट गई अपनी, लकड़ी टूटी हुई है मतलब जल्दी टूट जाएगी। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, चलो आगे बढ़ते। नहीं चलो कोई नहीं, यहाँ पे कोई है क्या। यहाँ पे भी कोई दिख नहीं रहा है मेरे को। अब क्या करेंगे मालूम है दोस्तों, ज्यादातर शॉर्ट गन है ना ये बंदों के टाइम पे, शॉर्ट गन इतना जरूरी नहीं, आराम से मार लेंगे। अगर कोई आर्मी है सोल्जर है तो भी शॉर्ट गन जरूरी नहीं है, लेकिन ज़ॉम्बीज है, ज़ॉम्बीज है तो अपने को शॉर्ट गन लगेगी। तो शॉर्ट गन की थोड़ा सा वैसे सेव करेंगे अपन, शॉर्ट गन मतलब ज्यादा यूज नहीं करेंगे अगर सोल्जर और ये रहेंगे तो, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता यूज करने का। दोस्तों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, हिचकी अब बहुत आ रही, तो थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, वेट कीजिएगा आपके भाई का। पानी की बोतल में लेके नहीं आया नीचे से, थोड़ा एक दो तीन मिनट का होल्ड कीजिएगा बस।
एक्चुअली पानी की बोतल में नीचे रख रख के आ गया था और साइड में एक बोतल थी वो मेरे को ध्यान से निकल गई थी। थोड़ा हेडफोन अपना एडजस्ट करना पड़ा। हेडफोन यार क्या हो गया इसको, टूट गया एक्चुअली। कोई बात नहीं, चला लेंगे इसको अभी। ओके नो प्रॉब्लम। हेडफोन का ऑर्डर दिया अभी तक आया नहीं। टूट गया हेडफोन, इसको नया मैंने कब का ऑर्डर दिया लेकिन अभी तक उसने डिलीवरी आई नहीं है। कोई बात नहीं, कोई दो तीन दिन चलाना पड़ेगा जब तक नया आ जाए। ओके चलो वापस गेम में चलते हैं। ओके देख अभी दोस्तों हालत ऐसी है ना कि अपने को जाना है टॉमी के पास और टॉमी यहाँ पे शहर से दूर है और अपने पास जाने के लिए ऑप्शन में अभी कुछ नहीं। अपनी गाड़ी भी यहाँ पे टूट चुकी है तो अपने को बहुत संभल संभल के आगे का रास्ता तय करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो ऐसी सिटी में अपन आई है ना जहाँ पे ये बंदे जो है मेरे को सही नहीं लग रहे। ये लुटेरे बंदे जिनका नाम इस ग्रुप का रखा हुआ है खतरों से भरा सफर अपना जारी है अभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे आए थे, चलो इसके अंदर थे अपन। यस वहां से चलेंगे। Yeah, we sure as hell ain't going back this way. एली है किधर एक्चुअली? दिख नहीं रही। बढ़िया। ज्यादा लूट है यहाँ पे। हो के आगे ही खड़ी है जहां पे उसको रास्ता दिखा वहां पे ही खड़ी हो के। लूट के बगैर आगे जाना ना तो अपने को हेवी हो सकता है। यहाँ पे लूट जितना हो सके उतना करना जरूरी है क्योंकि इसमें इस यहाँ पे ना इस गेम में लूट स्टोर नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि रेसिडेंशियल इविल में अपन रख सकते थे एक्स्ट्रा लूट, वैसा नहीं है यहाँ पे।
यहाँ पे आपको उतनी लूट मिल रही जितनी ये गेम देना चाहता है, जैसे कि 2-3 स्लॉट ही मिलेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे अपन बैंडेज एक बना सकते हैं दूसरा, ओके। और एक मैं बॉम्ब क्रिएट कर रहा हूँ, नेल बॉम्ब एक बना लिया मैंने, और हील बनाने का ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे मॉलिटॉस रखूंगा क्योंकि हील तो फिलहाल अपने पास है और दो अपने पास एडवांस में पड़ी है हील। यहाँ पे स्किल पॉइंट्स बढ़े हैं क्या आपने? यस, 35 स्किल पॉइंट अभी दिखा रहे, तो मेरे ख्याल से 75 स्किल पॉइंट अपन होल्ड करेंगे। मैं जो ये शिव का मैटर है, जो अपना चाकू है, उसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, और हील 100%, ये तो बहुत ज़्यादा है पॉइंट। तो क्राफ्टिंग स्किल तो अपनी दो अपन ने अनलॉक कर ली, 50 पर, मतलब क्राफ्टिंग का स्पीड बढ़ेगा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनेगा। हीलिंग स्पीड भी ज़रूरी है, हीलिंग भी बहुत टाइम ले रहा है हीलिंग होने के लिए, तो हीलिंग स्पीड भी ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से अपग्रेड में वही बेटर रहेगा कि अपन इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जो एमिनेशन अपने पास है, यहाँ पे कुछ है, माउस क्या लिखा है? ओके, ये जो पाइप उसने दिया था वो गेम अपने को बता रहा है। यहाँ पे ये कुछ मैसेज है फोर्स कोरियर का, और चाहिए बुक जो इसने उठाई थी एली ने, वो वाली बुक है, और इसको ये कंटिन्यू पढ़ना चाहते, तो देखेंगे आगे कुछ इससे रिलेटेड रहेगा। चलो बुक पढ़ते बैठेंगे तो नहीं होगा अपने को। मॉलिटॉस क्यों हाथ में आ जाते हैं? निकलते हैं यहाँ पे, इस जगह से जाना है। ओके, 2 मिनट होल्ड कर ली, कितना होल्ड किया है? तो 2 मिनट होल्ड कर अपने पास वेपन्स में क्या है देख लेते हैं। There be better way out than this. तो यहाँ से निकलना अपने को, चलो निकलते हैं अभी। मॉलिटॉस हाथ में रखना है ना बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर जरा से भी गलत क्लिक हो गया तो ये साले फूट जाती है। चलो सभी से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत। सेविंग गेट अ प्रॉप्ट ओपन विद सम There's some pretty gnarly stuff in here. अंदर कुछ गंदा है वो देख रही है। एली को ये बोल रहा है तू जल्दी से कुछ होल्ड करने का सामान देख, तो अंदर वो एली देखती रह गई थी। ओके, एली ने होल्ड कर लिया, बढ़िया। छोटी बच्ची कितना होल्ड कर पाएगी यार, इतना होल्ड, इतना हेवी स्टार्टर वो होल्ड नहीं कर पाती। लेकिन वो अंदर जाते ही थोड़ा सा ना, मतलब बोलते ना विचलित होना, वैसे हो गया। अंदर कुछ इसने देख लिया था, ओ भाई इसने इतनी बॉडीज देखी कि तो लड़की क्या करेगी यार, लड़की तो सोचेगी ना, हिल जाएगी इतनी बॉडीज देखने के बाद। इसलिए वो इसकी बात नहीं सुन रही थी जोल का, क्योंकि इतनी बॉडी सामने पड़ी है तो नॉर्मली वो बेचारी सोच में पड़ गई थी। पहले इससे कुछ बात करना है अपने को, यहाँ पे कुछ है जो लिस्ट है देखते हैं। पूरी सड़ी हुई बॉडी, ओ माय गॉड, नथिंग को कर ये लोग है ना, ये हंटर लोग है ना, लुटेरे लोग है, मतलब जो आजू बाजू वाले को लूटने वाले लोग है। पहले से कुछ बात करना, ये बोल रहा है ये हंटर अपनी भी यही हालत कर लेते थे। ओ भाई, I knew I should have turned the damn truck around. We lived. Barely. Come on, let's get out of here. यहाँ पे अपने को कुछ मिला है, नया आइटम, ये क्या है? ये स्मोक बॉम्ब है। कूल डेट ब्लॉक द एनिमी, अच्छा वो स्मोक बॉम्ब जैसे काम करता है वैसे ये डिसॉल्व द एनिमी, अलाउंग यू टू ग्रैब द और एक्सेप्ट। अच्छा ये स्मोक बॉम्ब अपने को यहाँ पे मिला है, तो इससे अपन वही काम कर सकते हैं कि स्मोक डाल के उनको अंधा कर सकते हैं और बाद में उनको, और इसकी रेसिपी भी अनलॉक हुई है, बढ़िया। इसकी रेसिपी भी अनलॉक हुई है, ओके। ग्लोइंग शॉट्स, स्मोक बॉम्ब, ओके।
ओके ओके ओके, तो मतलब इसमें स्मोक बॉम्ब डाल के अपन ग्रैब कर सकते हैं, तो ये आगे चल के ये काम में आएगा। बढ़िया। तो भाई साइलेंट किल का ना पूरा इन्होंने बंदोबस्त करके रखा है यहाँ पे। तो स्मोक बॉम्ब बनाने के लिए अच्छा ये स्मोक बॉम्ब है, और ये क्या चाहिए स्मोक बॉम्ब के लिए अपने को? आइटम्स दो आइटम चाहिए। ओके, तो फिलहाल तो नहीं है अपने पास, फिलहाल हीलिंग भी कुछ मेरे ख्याल से हीलिंग की भी जरूरत नहीं अपने पास, 3 हीलिंग पड़ी है, तो अपग्रेड पॉइंट भी तो उतने ही है। तो मरते मरते बचे। ओ भाई इधर ये बॉक्स, रेड बॉक्स अपने को ध्यान में रखना है, इससे ही अपग्रेड्स हो रहे हैं सब टूल्स लेवल 2। ओके चलो निकलते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट तो दिख गया। अभी मेरे को एक तो बात ध्यान में, ये रेड कलर का बॉक्स इसको मिस नहीं करना है, किधर भी ये रेड कलर का बॉक्स देखे पहला, क्योंकि इसमें जो अपग्रेड के सामान है पूरा इसमें है। ओ वेलकम वेलकम गांडवाला भाई, कैसे हो? थैंक यू विजिट करने के लिए। रूम खेलते, रूम फिलहाल बिजी में नहीं खेल रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में तबियत खराब हो गया था तो स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था, तो सोचा पीसी गेम की स्ट्रीम कंटिन्यू कर लो। About the ambush. I've been on both sides. Oh. So, you kill a lot of innocent people? I'll take that as a yes. Take it however you want. भाई इधर एक बात ऐसी कांड हो गई है ना अभी, कि एली ने उसको पूछा अभी ये लड़की ने कि तेरे को कैसे पता चला कि वो ट्रक जो अपन आ रहे थे वो बंदा वहां पे चाकू लगा था बंदा वो गलत है, मतलब वो हंटर है, मतलब वो लूटेगा करके। तो ये उसको बोल रहे है कि इससे पहले मैं ऐसे काम कर चुका हूँ। तो ये बच्ची इतनी स्मार्ट है ना, इसने तुरंत इसको पूछ लिया, मतलब तूने भी इससे पहले ऐसे इनोसेंट मतलब जो मासूम लोगों को मारा है क्या? तो ये चुप बैठ गया, ये जवाब नहीं दे पाया। तो ये लड़की शार्प इतनी है कि तुरंत बोली कि तू आप जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब मैं यही समझूंगी कि तूने पास्ट में ये काम करते हुए मासूम लोगों को मारा है। तो लड़की बहुत शार्प है, मैं भी यही सोच रहा था कि जोल को कैसे पता चला, रियली मेरे भी दिमाग में आया था, लेकिन मैं बोला इस गेम है, अगर जोल बोल रहा है नहीं है तो इस तो गेम का गेम प्लानिंग होगा, लेकिन गेम की स्टोरी देखो कितनी हार्ड है, क्योंकि जोल को इसलिए पता था ये कि ये ट्रैप है करके ये सामने बंदे नाटक कर रहे, क्योंकि जोल ने ये काम पहले किए हुए लोगों को लूटा है। तो ये थोड़ा सा अलग सिचुएशन इस गेम में है। और वैसे भी देखो यार दोस्तों, एक अगर 20 साल से यहाँ पे लॉकडाउन लगा रहेगा, पूरा कर्फ्यू लगा रहेगा, लॉकडाउन तो छोड़ो, लॉकडाउन समझ में आता है कि बाहर पुलिस घूम रही है, ओके पुलिस है नॉर्मली है क्या, सिविल की पुलिस है, लेकिन यहाँ पे सोल्जर का मार्शल लॉ लगा है, मतलब मिलिट्री कानून यहाँ पे लगा है, और वो 20 साल से। तो सोचो लोगों की हालत क्या होगी, खाने पीने के लाले पड़े होंगे, लोग भूखे रहेंगे, तो लोग करेंगे क्या? कोई भी एरिया अगर आपको खाने पीने को नहीं मिलेगा तो उसका एंड इसमें ही होता है, लूटपाट में ही होता है। तो बस यहाँ की सिचुएशन इतनी खराब है ना, कौन सा गेम है गांडवाला भाई? ये अपना गेम है, इसका नाम है द लास्ट ऑफ अस, मतलब बट प्यारा गेम है, एक मस्त गेम है, इसमें एडवेंचर से भरा है, इमोशन से भरा गेम है ये। और इसमें खासियत ऐसी है ना इस गेम की, इसमें ज़ॉम्बीज भी है, आर्मी भी है, और लुटेरे भी है, मतलब समझ सकते हो कि अभी लुटेरे मतलब जो गांव वाले हैं उनकी परिस्थिति ऐसी है कि उनके खाना पीना है, तो वो भी लुटेरे बने हुए, वो भी विलन्स बने हुए हैं। सेकंड आर्मी से भी बचना है क्योंकि कर्फ्यू रखे, कर्फ्यू के टाइम पे बाहर नहीं निकल सकते, आर्मी शूट कर रही हो, और सबसे बड़ी बात है जिसके वजह से कर्फ्यू लगा है लोग इन्फेक्टेड है यहाँ पे, ज़ॉम्बीज है वो भी, तो एडवेंचर से भरा गेम है, मजा आ रहा है खेलने में, मजा आ रहा है आपको देखने में भी मजा आएगा। सभी से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, लाइक सब्सक्राइब पहला कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ पड़ा है,
ओ भाई इस बिल्डिंग इम्प्रूव फर्स्ट एड। अच्छा फर्स्ट एड का रेसिपी इम्प्रूव हो चुका है यहाँ पे, बढ़िया। ये बुक उठाना बहुत जरूरी है। हेल्थ किट अपग्रेड, हेल्थ क्रेडिट 33% स्ट्रॉन्गर। ओ भाई लड्डू बटने चाहिए, मिठाई बटनी चाहिए कि अभी अपने को जो रेसिपी मिली है उससे अपनी हेल्थ किट 30% बढ़ जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो 30% कम नहीं हुआ इस गेम में, ऐसे रिसोर्सेस मिल नहीं रहे हैं यहाँ पे, लेने देने पड़ रहे हैं। चलो यहाँ पे 40 हीलिंग स्पीड 40 पॉइंट तो हो चुके हैं। हीलिंग का स्पीड बड़ा है क्या? मेरे को हीलिंग स्पीड नहीं बढ़ाना, ये जो ये है ना यूजर्स के ऊपर एक फ्री, ये अगर हो गया ना तो बढ़िया हो जाएगा। इसको अगर अपग्रेड करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। और ये लिसनिंग का तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं पहले तो ये 75 पॉइंट होने की वेट करूँगा। इन लोग ने लो पॉइंट दिए है हीलिंग के लिए, लो पॉइंट दिए 30-40 का दिया इन्होंने, लेकिन मेरे को वो चीज़ से ज़्यादा ये लगती है। देखो यहाँ पे कुछ छूट गया था अपना, भारी गिर सकता था। बुलेट की रिवॉल्वर की बुलेट, एक मिनट। ओके रिलोड करके रख देते हैं, रिवॉल्वर अपनी एम्प्टी हो चुकी थी। यहाँ पे स्लॉट है ना क्विक चेंज नहीं होते, तो इसका भी कोई इन्होंने अपग्रेड दिया, वो करने के बाद शायद क्विक फास्ट होंगे ये। चलो देखते हैं, पहला इसको खोल के देखते हैं। ये उधर का ही रास्ता है ना? हाँ इधर का ही रास्ता, नहीं ये अलग है। अच्छा हुआ ये अपन ने देख लिया, थोड़ा आगे। मैप है, बस रैम। अच्छा ओके, टूरिस्ट यहाँ पे बस स्टॉप भी है, पैक्ड है। मैप है यहाँ का, ओके बढ़िया। फ्यूल कार फियर, ओके यहाँ पे आगे चल के मेरे ख्याल से उनको कार उठाना पड़ेगा। चलो देखते हैं जैसा रहेगा वैसे आगे बढ़ना है अपने को। अच्छा वो यहाँ पे अपन ने देखा नहीं, तो इसको मिस कर लेते थे। यहाँ पे एरो मिल चुके, कितने एरो है भाई? दो ही एरो मिले क्या? ओके अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अच्छा वो अपन यहाँ पे आ चुके हैं, देखते अपग्रेड क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो इसमें कुछ ऑप्शंस ओपन हुए हैं, ये क्या है? स्कोप का ऑप्शन, इसको एक मिनट यहाँ पे स्कोप का ऑप्शन है, स्कोप लगा सकते हैं इसको। इसको पहला कर लेते हैं, बढ़िया। स्कोप का हुआ, और बाकी तो मेरे को इतना नहीं लगता इसको नहीं करेंगे। मैं शॉटगन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ॉम्बीज के टाइम पे शॉटगन अपने को ज़्यादा इफेक्टिव है। तो शॉटगन पे देखते हैं शॉटगन का क्या अपग्रेड कर सकते हैं अपन। तो शॉटगन का ये क्या है, रिकॉल जो उड़ती है गन है ना, पीछे आ जाती है गन, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता। और इसका यार इसके लिए 3 चाहिए रेंज के लिए। मैगजीन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं इसकी, और लेट्स वेपन होल्ड मोर राउंड, वो नहीं चाहिए मेरे को। फायर रेट बढ़ा के लेते हैं, फायर रेट ज़रूरी। शॉटगन भाई, शॉटगन तो अभी अपग्रेड करनी ही पड़ेगी। ओके फायर रेट बढ़ा के लिया, उसके लिए आगे 3 चाहिए। और इसका रीलोड का स्पीड ये ज़रूरी है, इसको अपग्रेड कर। रीलोड बहुत टाइम लेती है शॉटगन, 12 बच जाएंगे अगर ज़्यादा टाइम लेगी तो। ओके और ये क्या है, इंक डिक्रीज क्लिक
अच्छा जो शॉटगन हिलती है वो उसको वो भी अपग्रेड कर लेते हैं, मतलब स्टेबल रहेगी, ज्यादा हिलेगी, रिकॉल नहीं होगी। देखो जो अपन उठा रहे हैं ना एक एक वहां पे जमा हो रहा है, तुम लोग ने देखा वो फ्लेंच उठाया, वो सब पॉकेट में अपने को दिख रहा है यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया ग्राफिक है, गेम अच्छा बना है, बढ़िया। ये हो चुका है, ये तो कर लिया रिकॉल का, इसको और कर सकते क्या, रीलोड स्पीड इसका और बढ़ा सकते अपन। ये क्या है कैपेसिटी, ये नहीं बढ़ सकता, ये नहीं बढ़ सकता, पॉइंट अपने पास ज्यादा, और ये नहीं हो सकता, ये रीलोड स्पीड कर लेते। ओके रीलोड स्पीड जितना कम रहेगा उतना अपने लिए अच्छा गया। देखो पहाड़े के टूल यूज कर रहा है ये बंदा, मैं वो सब देखने में अच्छा लग रहा है। और ये क्या है 40 पॉइंट है, और इसका कैपेसिटी 15 से बढ़ जाएगा, और इसका और मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा अपन रिवॉल्वर्स का भी देख लेते हैं, इसका बढ़ाएंगे अपन, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, इसका फायर रेट बढ़ा लेते। ओके फायर रेट बढ़ाएंगे थोड़ा आसान रहेगा, रीलोड स्पीड भी आराम से इसको कर लेते हैं, अपग्रेड कर लेते दोस्तों, अपग्रेड कर लेते हैं। अपग्रेड कर लेते हैं, देखो रिसोर्सेस उठाए तो कितना अच्छा गिरा, अपन इतना अपग्रेड कर ले करके लिया, वो बेटर हो गया ना। और इस गन का भी कुछ बढ़ सकता है क्या, इस गन का 30 कॉस्ट है इसकी, इसकी 20 कॉस्ट है, इसकी 20, इसकी 20 और इसकी 30 है, 30 क्या फायर रेट बढ़ा सकते, इसका फायर रेट बढ़ा सकते, कैपेसिटी इसका कैपेसिटी बढ़ाएगी, फायर रेट बढ़ाए, कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। ओके अभी कुछ नहीं बढ़ेगा, पूरा स्किल पॉइंट अपने खत्म हो चुके हैं। अच्छा हुआ इतना अपग्रेड करके लिया अपन ने, वो बेटर हो चुके हैं। इसका देखते कुछ छोटा मोटा बढ़ेगा तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे, इसका तो बढ़ा, इसका कुछ छोटा मोटा रहेगा 10-12 पॉइंट में होता रहेगा तो देखते बढ़ा के ले लेते। तो 46 पॉइंट भाई, 35 पॉइंट इसकी पावर कुछ नहीं है, ये बहुत हेवी है गन, इसका 75 कॉस्ट है। अच्छा इसको अपन नहीं किए, इसके बदले अपना 3-4 गन अपग्रेड हो चुका है, बढ़िया। स्कोप तो मिली है तो आसान रहेगा, थोड़ा देख लेते कैसे कैसे करेंगे, तो बेटर हो गया ना, यहाँ पे आए अपन तो थोड़ा सा अपना अपग्रेड सोच के एमिंग यूर्स को। अच्छा इसे एमिंग करना है, इसे तो एमिंग नहीं हो रहा। ओके ये प्रेस करके ये दबाना होगा, ये तो अजब है यार, डायरेक्ट एमिंग नहीं है, ADS करके फिर अपने को ईडा बनाओ। ओके इसको पावर तो देखेंगे यार आगे चलते। अच्छा चलो स्कोप आ गया, मतलब अभी टारगेट भी हेवी आएंगे, ऐसे ही स्कोप नहीं दिया होगा इन्होंने। ओ भाई यहाँ पे डेड बॉडी चली पड़ी है यहाँ पे, ये जो हंटर है इनका काम रहेगा। I don't think these guys were infected. It don't matter. Let's just keep moving. ये बोल रही है कि ये जले हुए बंदे जो है इन्फेक्टेड नहीं लगते, लेकिन जोल बोल रहा है इससे कुछ फर्क नहीं गिरता, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। बात भी सही है, ब्रिज, दैट्स आवर वे आउट ऑफ हियर, ब्रिज के पास अपने को जाना है वहां पे। स्लो डाउन, वेट फॉर मी। ये कुछ जोल अभी ज्यादा केयर करने लगा है बच्चे की, और होगा ना इस अपने पास अभी मटेरियल अच्छे हैं। और क्या यहाँ पे कर सकते, क्राफ्टिंग पावर में अपने को स्वैप वेपन का कुछ करना पड़ेगा यार, 50 पॉइंट दिए हुए यहाँ पे, लेकिन मैं
स्वैप वेपन का कर लेंगे यार, ये और हीलिंग स्पीड बढ़ा देंगे। मैं इसमें कंफ्यूज ज्यादा हूँ यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम लोग को अगर कुछ लगता है, सजेशन रहेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी अपने को क्या बढ़ाना चाहिए, हीलिंग स्पीड बढ़ाए, वेपन स्वैप करने का बढ़ाए, या जरूर बता देना मेरे को। क्राफ्ट तो कुछ कर नहीं सकते, हीलिंग नहीं कर सकते, ये तो तीन है, इसको भी क्राफ्ट नहीं कर सकते, इसको क्राफ्ट कर सकते हैं। डंडे को नहीं, लेकिन डंडे को अपग्रेड नहीं करेंगे। उसका रीजन ऐसा है ना कि डंडा बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, पाइप मिलेगा तो उसको करेंगे। ओके इसकी भी बुलेट नहीं, अपने को रिवॉल्वर से काम लेना पड़ेगा। ओहो, ये सिटी बजाना सीख गई है बच्ची अभी। ओह गुड, ये बोलते हैं और अभी अभी और एक तेरा पागलपन मेरे को झेलना पड़ेगा। ये सिटी बजाना सीख गई है और कंटिन्यू अभी सिटी बजाएगी तो ये बोलता है मेरे को और एक तेरा पागलपन झेलना पड़ेगा। बात तो सही है, लड़की परेशान तो कर रही है उसको। चलो आगे बढ़ते। ओ भाई, गाड़ी के अंदर डेड बॉडी ऐसी की ऐसी पड़ी। वो यहाँ पे बुक मिला इसको, ये बच्ची को देगा ये। मेरे को लगता है आगे चल के एली को देगा बुक, ऐसा मेरे को लग रहा है। आगे का आगे देखेंगे, मतलब मेरे को ऐसा लगा क्योंकि उसको किताब पढ़ना अच्छा लग रहा है, एली को तो नॉर्मली उसको ही देगा ना। ये तो बच्चों की किताब कॉमिक नहीं पढ़ेगा, बच्चों की कॉमिक ऐसी बच्चों की किताब नहीं बोल सकते, लेकिन कॉमिक बुक है तो वो एली को ही देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ तो मिला यहाँ पे उसको। What happened here? मैं ये एली को बुक देगा ये। Your fellow hunters do this? Cute. And no, my money's on the military. Why would they mow down all these people? You can't let everyone in. ये बोल रहे हैं ये लोग ऐसा क्यों मार रहे हैं? Dead people don't get infected. You sacrifice the few to save the many. It's kind of shitty. Yeah. चलो आगे बढ़। भाई शूट की आवाज है यहाँ पे। Ellie, get down. Where did you learn to shoot? Man, screw you. You had an entire flock and you hit nothing. मेरे को ना गन यूज करनी है। Yeah, you're really upset. Well, if you want some lessons, you know, I'm more than willing to help you out. Yeah, whatever. ये हंटर्स ही है, ये हंटर्स का एरिया तो यही रहेंगे वो। आमने सामने मारेंगे कैसे? उसको ग्रैब करते, उसको टोकते। ओके वे भाई, सीधा हेडशॉट, और वो भी क्या फूटा है देखो, पूरा बुलेट उसको चीर फाड़ के आ गया। आज बढ़िया मारा तो उनको, तगड़ा मारा भाई लोग। सर्च करते थोड़ा सा यहाँ पे आजू बाजू देखते हो।
Okay, we need to lighten the mood. Ready? It doesn't matter how much you push the envelope, it'll still be stationary. ये जोक पढ़ के सुना रहे इसको लेकिन जोल हंस नहीं रहे. What is that? It's a joke book. No pun intended. Volume 2 by Will Livingston. Let's keep going. What did the Confederate soldiers use? ये जोक बुक पढ़ रहे लेकिन जोल को जरा भी मूड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं उसमें. चलो निकलते हैं यहाँ से और सेव कर लेते हैं गेम. दोस्तों आज का गेम प्ले बहुत मज़ा आ गया खेलने के लिए. अगर आपको भी अच्छा लगा रहेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा. और जो बंदे डेली विजिट कर रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया. बहुत जन मेरे को बीजीएमआई के बारे में या कस्टम के बारे में पूछ रहे हैं, तो दोस्तों कसम से बोलता हूँ फिलहाल मेरा बीजीएमआई का खेल नहीं रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा रिकवर होने दो और मेरे को, क्योंकि मतलब नहीं बीजीएमआई में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आपके पास टीममेट नहीं रहेंगे अच्छा, तो इसके लिए नहीं खेल रहा हूँ. बाकी कुछ इतना खास है नहीं. What did they used to drink with? चलो चलो फिर आज के स्ट्रीम से विदा लेते हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना. जल्दी ही बीजीएमआई चालू करेंगे. थोड़ा देखो यार गर्मी का टाइम है और मेरा जो मेरा घर है दो माले का, मैं ऊपर फर्स्ट माले पे रहता हूँ ऊपर केस में, तो हीट बहुत होता है और मोबाइल भी काम नहीं करेगा और मतलब नहीं रहेगा बीजीएमआई का मतलब स्ट्रीमिंग करने में. उससे अच्छा मैं पूरा मेरा जो ताकत है वो पीसी गेमिंग में लगा दूँ तो कुछ बेटर कर पाऊँगा. और वैसे भी तबीयत खराब है तो इतना बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ठीक है अभी रिकवर हो रहा है तो धीरे धीरे हो जाएगा. पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे तो दोनों स्ट्रीम चालू कर देंगे. चलो वंस अगेन आज के स्ट्रीम से आप सभी भाई बहनों से विदा लेते हैं, मिलेंगे कल शाम को. तब तक सबको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू, बाय.